ये आप देख रहे हो ना, ये समझ गए होगे कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। तो ये जो साइड में ब्लैक वाला पार्ट लगा हुआ है ना, ये उसका रिप्लेसमेंट है। और इसका प्राइस कितना है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी राइडर। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, एक दो वीडियो पहले डाला था मैंने कि बाइक का थोड़ा मोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस कराया था एंड काइंड ऑफ थोड़ा स्क्रैचेस हटाने के लिए जो एक्सीडेंट के बाद मैंने किया था। अगर एक्सीडेंट वाला आपने वीडियो मिस कर दिया है तो मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ आपके लिए, इनकेस आप जान जाओ कि बाइक में हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो आप ये समझ पाओगे। तो गाइज़, उसके बाद सामने का जो हेडलाइट का साइड वाला पार्ट जो स्क्रैच हो गया था, मुझे लगा था स्क्रैच है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मैनेज कर दिया था। बट कल जब मैं फ्रेम शेडर का वीडियो बना रहा था एंड वीडियो मतलब फ्रेम शेडर लगा रहा था ना, तो उसमें मैंने देखा ना कि एक साइड का जहाँ नट फिक्स होता है अंदर से, वो नट का प्लास्टिक अंदर वाला टूट गया। तो मैंने बोला इसको चेंज तो कराना पड़ेगा, अदरवाइज वाइब्रेशन आएगा। तो वही मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गया है। वो 250 रुपीज़ का है एंड साथ में थ्रॉटल केबल भी चेंज करना था बिकॉज थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, तो वो भी 43 रुपीज़ का है, वो भी आ गया है। एंड ऑल्सो साइलेंसर का कवर लगाया था बट कैप नहीं आया था, तो कैप आ चुका है। तो अभी मैं बाइक देने आया हूँ बिकॉज इस बार मेरे पास रियली में टाइम नहीं है, मुझे घर जाकर ऑफिस के लिए कनेक्ट करना है। तो अभी मैं बस बाइक दे दूंगा उनको एंड जब वो फ़ोन करेंगे बीच में अगर मौका मिला तो आ जाऊँगा, अदरवाइज मैं शाम में 6 बजे के बाद आगे अपनी बाइक लेके जाऊँगा। बट आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो बने रहिएगा एंड अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन आ रहा होगा। एंड गाइस, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, आपको आइडिया दे देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या चेंज हो रहा है। जो मैंने बोला आप समझे हो कि नहीं समझे हो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाली पार्ट, तो ये पूरा सेट आता है, मतलब ये एंड दिस इज वन पीस, ठीक है? ये सामने वाला नहीं, इसको आप हटा दोगे ना, तो ये पूरा एंड ये पूरा एक पीस है। तो ये नट है ना, ये देखो आराम ये मूव कर रहा है, ठीक है ना? इसके अंदर में जो फिक्स होता है ना, वो टूट चुका है इम्पैक्ट से। फ्रेम शेडर के लिए खोला था, ये वीडियो मैंने आपको डाला होगा, इसका वीडियो अगर आप मिस कर गए हो फिक्स करने का, पूरा डू इट योर सेल्फ है ये। मतलब बैठ के मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, मैंने बैठ के लगाया सारे चीज़ को। आपका वीडियो मिस कर गए हो तो ऊपर मैं लिंक डाल रहा हूँ, इसको क्लिक करो एंड फ्रेम शेडर लगाना, खुद जान जाओगे आप, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई, जिसका नया वीडियो इसलिए बनाया है बिकॉज लास्ट क्रैश में ये वाला इस साइड का पूरा टूट गया था मेरा फ्रेम स्लाइडर, तो मुझे वो नया रिप्लेस करना पड़ा है। तो गाइस, वही उसके लिए खोला था मैंने ये, तो यहाँ पे देखा कि ये टूटा हुआ है, तो ये पार्ट तो पूरा चेंज हो जाएगा। साथ में ये भी थोड़ा सा स्टिफ हो गया, देख रहे हो ना, थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं है, दिक्कत हो रही है बहुत चलाने में, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? एंड लास्ट वीडियो में ये मैंने चेंज कराया था एंड फॉगलाइट का फिक्स कराया था, वो वीडियो अगर मिस कर रहे हो उसको भी मैं साइड में डाल दे रहा हूँ, थोड़ा चेक कर लेना, प्राइस आपको डिटेल मिल जाएगा इसका अगर आपको चेंज कराना है तो। एंड ये पार्ट नहीं आया था, तो फिलहाल ये पार्ट भी आज चेंज हो जाएगा। ये 1, 2 एंड 3, और थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है चेन में खटखट करके, पता नहीं क्या है वो भी, मैं मेजर इशू है वो भी। तो ये सब चीज़ चेक करा के पूरा क्लियर कर लूँगा बाइक को, बिकॉज ऐसे डाउट में बिल्कुल बाइक आप भी मत चलाइएगा, क्योंकि मैं भी किसी ट्रिप पे नहीं जा रहा था, बगल में मेरे सर्विस सेंटर है 2-3 किलोमीटर्स पे, तो मैं बस आया था उस दिन, चेक कराया, घर गया, अगल बगल तो निकल रहा था, वापस अभी इसको पूरा फिक्स करा लूँगा एंड फिर कहीं भी बाइक लेके टूर पे जाऊँगा या ट्रिप पे जाऊँगा। सो गाइस, फाइनली बाइक का काम हो गया है, मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूँ क्या क्या पार्ट्स चेंज हुआ है। ये आप देख रहे हो ना, ये समझ गए होगे कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। तो ये जो साइड में ब्लैक वाला पार्ट लगा हुआ है ना, ये उसका रिप्लेसमेंट है। और इसका प्राइस कितना है मैं ये आपको दिखा देता हूँ, इज जस्ट 194 रुपीज। सो एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हो, ये वाला क्लिप यहाँ पे टूट गया था, जिसके वजह से ये थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा था। तो क्रैश के बाद ये इंपॉर्टेंट एक चेंजेस हुआ, फिर आपका ये थ्रॉटल केबल, ये पूरा सेट चेंज हो गया, ठीक है? ये अटक रहा था पहले, अब एकदम स्मूथ हो गया। एंड द थर्ड थिंग, ये वाला आप देखा होगा आपने, पूरा डैमेज था, मुड़ चुका था, तो इसको कट करके फेंकना पड़ा पुराना वाला, बट अभी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया ये। तो ये 3 मेजर चेंजेस एंड जो भी एक्सेस लेना था इसका काम हो गया है।